हैं। आज मैं आप लोगों को बहुत ही कई अच्छे अच्छे ट्रिक्स को मैं आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, देख रहे हैं कि अभी के समय में चाहे रेलवे हो या SSC हो, हर एग्जामिनेशन में कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा बढ़ गई है और एक एक मार्क्स 0.0 मार्क्स काफी ज्यादा मायने रखती है। मैं एक्चुअली सारे वीडियो को कंप्लीट करता हूँ और मैं जनरल कॉम्पिटिशन का भी कई चैप्टर्स का वीडियो एज सुन एज मैं कंप्लीट करके अपलोड करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को रिजल्ट सो क्विकली, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गई है, आप लोगों को टाइम बहुत ही कम दी जाती है और उतने समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करनी होती है। तो आप लोग को मैं आज ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को बताने जा रहा हूँ जो कि कई बार रेलवे में, SSC में और कई एग्जामिनेशन में, IBPS में कई एग्जामिनेशन में पूछी गई है। सो प्लीज आप लोग ध्यान होकर की इस ट्रिक्स को देखे और आप लोग को डेफिनेटली मैं बताता हूँ, आप देखिएगा कि कई एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और पूछेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कई कॉम्पिटिशन में मैंने देखा है कि पूछा गया है। तो इसलिए प्लीज इस ट्रिक्स को आप लोग दिमाग में सेट कर ले ताकि आप लोग अच्छे से एग्जामिनेशन में स्कोर पाए, क्योंकि आप जानते हैं कि आप लोग के लिए एक एक मार्क्स 0.11 मार्क्स भी आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंस है। सो प्लीज आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो कि कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, 1 × 2 × 3 × 4 .. 10 to 95 के लास्ट अंतिम अंकों में कितने जीरो हैं? इस संख्याओं के मल्टीप्लीकेशन में 1 × 3 × 4 × 25 25 तक के लगातार 25 प्राकृत संख्या के गुणनफल में प्रोडक्ट ऑफ लास्ट 25 नेचुरल नंबर्स में कितने जीरो हैं अंतिम में, ये चीज मुझे पूछ रही है। किसी भी जिसमें प्रोडक्ट कीजिएगा तो बहुत बड़ी नंबर आएगी, जिसमें लास्ट से कितने जीरो हैं, कितने जीरो, ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन को आप चुटकी भर में मुश्किल से 30 सेकंड में आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो कैसे बनाएंगे मैं आपको बताता हूँ, बहुत आसान है। तो आप सिंपल सा तरीका कैसे बनाइएगा वो बताता हूँ, ठीक। आप देखिए कैसे बनाना शुरू कीजिएगा, पांच का टेबल पढ़ना शुरू कीजिए, पांच का पांच, पांच दुना दस, पांच दिया पंद्रह, पांच के बीस, पांच का पच्चीस। तो देखिए पच्चीस पच्चीस कितने बार में, कब तक मुझे ये टेबल पढ़ना है, जब तक कि मैं पच्चीस के पास नहीं पहुंच जाऊं। तो मैंने पच्चीस के पास पहुंच गया, पांच दस पंद्रह बीस पच्चीस, जब मैं पच्चीस के पास पहुंच गया तो अब देखिए कितने पांच हुए, एक पांच इसमें कितने पांच, 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 दो पांच, टोटल नंबर ऑफ फाइव गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 4 to 6, दैट मीन्स इसके लास्ट में 6 डिजिट, दैट मीन्स जो भी नंबर आएंगे उसके अंतिम से मात्र 4, 5, 6 जीरो होंगे और इसके पहले कोई जीरो नंबर होंगे, ठीक। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अंतिम से आपको पूछे कितने जीरो होंगे, अंतिम से कितने जीरो होंगे, तो केवल आपके 6 जीरो होंगे, 2, 3, 4, 5, 6। तो बहुत ही आसान था, बहुत ही सटीक ट्रिक्स मैंने आपको बताया, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। आपको कोई भी संख्या पूछे, मान लेते 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक दे दी जाती है, तो बहुत ही आसान से आपसे बता सकते हैं। मैं मान लिया कि आपको 50 तक दे दिया, इसी क्वेश्चन में मैं मान लेता हूँ कि इसे बना देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। आप लोग दोस्तों केवल अच्छी सी सीख लीजिए, एग्जामिनेशन में पक्का पूछा जाएगा। मान लिया कि मैंने 50 तक मल्टीप्लीकेशन कर दिया, इसमें पूछा कि अंतिम से कितने जीरो होंगे, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पांच का टेबल पढ़ना शुरू करेंगे, पांच या पंद्रह, पांच की बीस, पच्चीस, तीस, पांच सत्ते पैंतीस, पांच अट्ठे चालीस, पांच नवा पैंतालीस, पांच दहाई पचास। इसमें कितने पांच है दोस्तों, एक, इसमें कितने एक, इसमें कितने पांच है एक, और कितने पांच है का मतलब इसका मल्टीप्लीकेशन के पावर में देंगे कितने पांच अवेलेबल है, फिर बीस में कितने पांच है एक, इसमें कितने पांच है दो, इसमें कितने पांच है एक, 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 इसमें कितने पांच है दोस्तों, इसमें है दो। तो यहाँ पे मैंने देख रहा है कि 45 में एक, 40 में एक, 45 में एक, एक एक समय इसमें केवल दो, उसमें दो, काउंट करूं तो 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 8, 1, 9, 1, 10, 11, 12। तो इस संख्या में जितनी भी बड़ी संख्या हो इसके लास्ट से टोटल 12 जीरो अवेलेबल होंगे, 12 जीरो होंगे अंतिम से, 12 जीरो होंगे अंतिम से। तो आप लोग एक ट्रिक बहुत जरूर से देखिएगा भाई, जब भी दोस्तों मेरे दोस्त जब भी एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस, ऐसा नहीं कि मल्टीप्लीकेशन करने के लिए चले जाए, या बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ कि 2 को काउंट कर रहे हैं, 2 स्टार्ट करते हैं, 2 को मत काउंट करो, केवल 5 को देखो, 5 के मल्टीपुल को लिखो और उसके बाद देख लो कि टोटल नंबर 5 प्रेजेंट कितने हैं, 5, 1, 10 में 1, 15 में 1, 5 का 12 लिखो जहां तक वो लिखी कही गई है, जितने नंबर मैक्सिमम है, और फटाफट इसमें
काउंट कर दो। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे तो मुश्किल से 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे, आप सॉल्व करके दे दीजिएगा और आपको यहाँ पर 1 मिनट 30 सेकंड बच जाती है और 30 सेकंड में आप दूसरी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो देखो दोस्तों, बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रिक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक, मेरी जो वीडियो है उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि मैं क्लास 11, 12 BSc, उसके बाद जितने भी कॉम्पिटिशन है, ITJEE मैन हो गया, एडवांस हो गया, जितने भी स्टेट लेवल की कंपटीशन होगी, BCECE हो गया, बिहार इंजीनियरिंग हो गया, वेस्ट बंगाल इंजीनियरिंग हो गया, जितने भी इंजीनियरिंग है सारी इंजीनियरिंग की मैं मैथमेटिक्स को डील करता हूँ। साथ ही साथ मैं BSc का भी करता हूँ और इसके अपर क्लास का भी हायर मैथमेटिक्स में एज सुन एज आप लोगों को सॉल्व करके यूट्यूब पे जल्द से जल्द मैं आप लोगों को अपलोड करूंगा। चलिए दोस्तों, तो मैं फिर दूसरा ट्रिक्स की तरफ चलता हूँ। दूसरी ट्रिक्स क्या है, बहुत ही ज्यादा ट्रिक्स है दोस्त। देखो, आपको कभी पूछ सकता है कि बताइए कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो क्या 2 अंकों की कुल संख्या पूछते तो मैं क्या ऐसे करके चेक करते रहूंगा कि मेरे पास कितनी संख्या है 99 तक, मुझे 3 अंकों की पूछे तो क्या मैं इस तरह से लिखते रहूंगा 101 102? नहीं दोस्तों, देखो बहुत ही छोटा ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ कैसे अंकों की संख्या निकाला जाता, तो मैं बता रहा हूँ, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। तो देखिए इसमें बताता हूँ, सबसे पहले आप देखो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करो, स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखो, यदि आपसे पूछे एन अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो देखो दोस्तों मैं बताता हूँ, बहुत ही आसान, एन अंकों की कुल कितनी संख्या है तो बहुत सिंपल है, इसके तरीके क्या है तो मैं बताता हूँ, एन अंकों की कुल कितनी संख्या है तो इसके तरीके हैं कि आप लिखिए एन अंकों की अधिकतम संख्या, एन अंकों की अधिकतम संख्या का मतलब बड़ी से बड़ी लिखिए या सबसे बड़ी लिखिए, सबसे बड़ी संख्या प्लस सॉरी माइनस एन अंकों की सबसे छोटी संख्या प्लस, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है दोस्तों। देखो ये दोस्त में ये आपको जो है अंकों की कुल कितनी संख्या है वो आपको निकालने में बहुत मदद करेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल से लिखता हूँ, जैसे कि आपको पूछ दिया बताओ 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं है, तो बहुत ही आसान है दोस्त, 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं है बहुत ही आसान है। कैसे मैं बताऊंगा, तो सबसे पहले 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को लिखूंगा तो मेरा वो कौन है 99 और सबसे छोटी संख्या कौन है 10 और इसमें मैं एक ऐड कर दूंगा 99 + 110 टोटल मिलाकर के 90 हो जाएंगे मेरे 2 अंकों की संख्या। उसी तरह से यदि मुझसे पूछे 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो बहुत ही आसान है, 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 3 अंकों की तो टोटल मिलाकर के सबसे बड़ी संख्या 999, इसमें मैं क्या करूंगा 100 घटा दूंगा, 1 जोड़ दूंगा, 1000 में से 100 के तो 900। ये बहुत ही मस्त ट्रिक है और कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए SSC RDC में भी पूछे गए हैं, आपको मैं बता रहा हूँ SSC RDC में, रेलवे में कई बार मैंने देखा है कि इस क्वेश्चन को डाला गया है। ठीक, अब मैं अगला क्वेश्चन सीरियलाइज करता हूँ। ठीक, वो है मेरे नंबर ऑफ पॉजिटिव डिविजर, कहने का मतलब ये हुआ कि कुल कितने उसके डिवीजन है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि उसके कितने डिवीजन है वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको बता रहा हूँ, उससे पहले मैं एक मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक्स बताता हूँ, मल्टीप्लिकेशन किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो बताता हूँ। सो ट्रिक बहुत ही आसानी से आप ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। आपको मान लीजिए कोई नंबर 599 में आपको 9 से मल्टीप्लाई करने के लिए बताया गया, 672 में आपको 9 से मल्टीप्लाई करने के लिए दे दिया, तो कैसे करेंगे मल्टीप्लिकेशन, आपके पास टाइम बहुत कम रहते हैं तो बहुत आसान है दोस्तों। यदि मैं बहुत बड़ा नंबर ले लूं, इतना बड़ा नंबर ले लिया तो कैसे करूंगा, बैंकिंग वगैरह में कई बार ऐसे सवाल डाले जाते हैं, इतने बड़े नंबर दे देंगे और आप कहेंगे मल्टीप्लाई करके चेक करो, तो आप एक एक डिजिट को मल्टीप्लाई करते रहते हैं, इसमें आपको 1 मिनट 2 मिनट भी लग जाते हैं कभी कभी, इसलिए मैं आपको इसके लिए ट्रिक बताता हूँ कैसे बनाए वैसे। देखो मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले इसमें क्या करना है, जो नंबर दी हुई है 7 8 5 9 इस पे 1 0 डाल देना और इसी नंबर को फिर इसमें सब स्टार्ट कर देना, 7 8 5 9 9 5 8 7 और इसी इसमें से घटा देंगे और एकदम इजी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसका जो वैल्यू होगा मल्टीप्लिकेशन बता देगा, 10 में से 9 हो गया 1, फिर यहाँ पर 10 में से 9 कितना हो गया, सॉरी 8 हो जाएगा, 18 में से 9 हो गया 9 हो गया,
फिर आठ में से पांच गया तो तीन हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पर पंद्रह इसी कैलकुलेट तो पंद्रह में से आठ गया सात हो गया, यहाँ पे सात से सात गया जीरो हो जाएगा, यहाँ पे सात हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ जाएगा। तो बहुत ही आसान है लाइन से मल्टीप्लाई करना किसी भी नंबर को, बहुत ही आसान। फिर उसी तरह इसमें भी आपको मल्टीप्लाई करने के लिए इस पे एक जीरो बैठा दीजिए, 987 9 8 6 7 2 और इस पे एक जीरो डाल करके फिर इसी नंबर से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 2 7 2 7 6 8 9। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए, जीरो ग्यारह में सात गया चार हो गया, छह में छह गया जीरो हो गया, फिर इससे ये कर लेगा तो सोलह में सात गया आठ हो गया, सत्रह में नौ गया आठ हो गया, फिर ये आपका एट का एट हो जाएगा। तो बहुत आसान है दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करना, इससे आप सीख गए होंगे मुझे पूरा विश्वास है। तो नाइन से मल्टीप्लाई करने के लिए पता है तो इस तरह से किए, मान लेता हूँ यदि इसी में आप इसको उतार लीजिए, फटाफट देखिए ट्रिक को सीखिए दोस्तों मेरे। अब मान लेता हूँ कि आप लोगों को यदि मल्टीप्लाई करने के लिए बोल दिया कि डबल नाइन से 99 से मल्टीप्लाई करने के लिए दे दिया जाए तो कैसे कीजिए, तो कुछ नहीं है दोस्तों, सेम तरीका जैसे भी करना। इस पे दो टू डिजिट है नाइन का, तो मैं इस पे क्या करूंगा दो जीरो बैठा दूंगा 7 8 5 9 9 और इस पे दो डिजिट बैठा करके फिर 7 8 5 9 9 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, 7 8 5 9 9 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, 10 में से 9 गया 9 में से 9 गया जीरो, फिर यहाँ पे 8 में से 5 गया 3 हो गया, 7 में से 8 गया क्या हो गया 9 हो गया, फिर देखिए 8 में 7 गया 1 हो गया, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो बहुत आसान है दोस्तों, बहुत ही आसान है इसको। उसी तरह से इसको यदि आपको करना हो तो 9 8 7 9 8 6 7 2 इस पे डबल जीरो दे देना, और इसमें फिर आपको 2 7 6 8 9 को सब्ट्रैक्ट करना, 10 में से आठ गया 2, 9 में से सात गया 2, 11 में से 6 हो गया 5, यहाँ पर 6 हो जाएगा, 16 में से आठ गया 8, 15 में से 9 गया 6, और ये बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत आसान। तुरंत में आप इसको सॉल्व करके रख दीजिएगा, सेकंड मुश्किल से आपको 25-30 सेकंड लगेगी इसे सॉल्व करने में दोस्तों। तो सो प्लीज दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि ऐसे जो भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे तो सबसे पहले जिसमें डबल नाइन से आपको मान लीजिए 999 से इसमें मल्टीप्लीकेशन करने के लिए दे दिया गया तो कैसे करेंगे, तो आपने सीख गया। तो सिमिलर में आपको यदि 999 से मल्टीप्लीकेशन करने के लिए, मैं इसको बताता हूँ, यदि आपको 999 से मल्टीप्लीकेशन करने के लिए दे दिया जाए तो कैसे करेंगे, ठीक। तो बहुत आसान है, कैसे करेंगे तो 999 लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इस डिजिट पर 3 जीरो डाल देंगे, 3 जीरो डाल लेंगे और इस डिजिट को घर सब्ट्रैक्ट करूंगा, इस पूरे नंबर को 9 9 5 8 7 इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, फटाफट आ जाएगी, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 5 गया 4, 17 में से 8 गया 9, 17 में से सॉरी 8 में से 8 गया 0 और 9 में 7 गया 2, ये हो गई इसकी मल्टीप्लीकेशन की ट्रिक। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कितने इसकी ट्रिक किस तरह से हम लोग करते हैं। जब भी आपको 9 9 रहे 9 रहे डबल 9 रहे तो जिसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी 9 रहे उस पे उतने जीरो डाल करके उस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, वो मेरा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक। ये 9 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक हो गई। एक नेक्स्ट ट्रिक मैं दोस्त बता रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा ट्रिक से सेम इसी तरह का ट्रिक है, बहुत ही अच्छा ट्रिक है, वो इस तरह का ट्रिक है। यदि किसी नंबर में किसी कोई भी नंबर दे दे और आपको दे दे 11 से मल्टीप्लाई कर,